विजुअल है, विजुअल ले लो ये हक हो गया भाई, हो गया वो वाला शॉट। पहले काम शूटिंग यहाँ पे कर चुकी है, क्या कहना चाहे तो लाइक आपको खाली जैसा लग रहा है खाली। पहले तो आप सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है। आज से मेरी नई फिल्म कालिक का मुहूर्त हुआ है, जिसके प्रोड्यूसर है राकेश जी, डायरेक्टर है रंजीत जी। एक बहुत ही कमाल की फिल्म बन रही है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है। आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि कालिक इतना पावरफुल टाइटल है तो स्टोरी कितनी पावरफुल होगी। ये एक सोशल मीडिया सोशल मैसेज है जो हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं बहुत सोच समझ कर बना रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं, देश की लड़कियां, बहुत लोग ऐसे हैं जो रेप पीड़ित हैं, जिनका रेप हुआ है बट उन्हें जज या कहीं से वो नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो उनका दर्द और उसके आगे भी समाज, अगर न्याय मिल भी गया है तो समाज उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, यह कैसा रिएक्शन होता है समाज का, इस एक छोटे इस छोटा नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म से लोगों को जागरण करने का कि जो लोग रेप करते हैं, आपके घर में भी माँ बहन होती हैं, आपके घर में भी परिवार होता है, उस लड़की का दर्द कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो लड़की ही समझ सकती है और उसका परिवार समझ सकता है। तो हम इस फिल्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि एक सोशल मैसेज दे, ताकि जो लोग रेप पीड़ित भी हैं वो अपने लिए न्याय ले, अपने लिए लड़े और झुक के काम ना करें। हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो रेपिस्ट है उन्हें सज़ा दिलवाए। तो इसी मुद्दे पे हम ये फिल्म बना रहे हैं और आशा करते हैं कि ये फिल्म जितने दिल से, जितने लगन से, जितने प्यार से हम सब, ये टीम वर्क होता है हम कर रहे हैं, उतने ही प्यार से और उतने ही ईमानदारी से आप उसको एक्सेप्ट करिए, ताकि हम और भी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा कुछ नया लेकर आती हूँ और ये एक हटकर स्टोरी है, और वो नया को तभी न्याय मिलेगी जब आप सब अपने परिवार के साथ उस फिल्म को देखेंगे और फिल्म के साथ हमारी स्टोरी को समझेंगे। आगे हमारे डायरेक्टर बताएंगे। स्टोरी से रिलेटेड तो निधि जी ने बताया ही आपको, तो स्टोरी फिर रिपीट करने का मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निधि जी का, जिन्होंने, क्योंकि वो जितने भी डिफरेंट स्टोरी होती है तो मना नहीं करती है, और जब मैंने अपना स्टोरी लेके इनके पास गया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और शाबाशी भी दी, कि हम प्रोड्यूसर को भी और मुझे भी, कि हाँ हम इतने एक मुद्दा लेके आ रहे हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के विधायक साहब जी का, जो हमें एक मजबूती मिला है इनके बातों से, कि सब्सिडी को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट स्तर से लेके इनके स्तर से लेके हमें सपोर्ट मिल रहा है। एक ज़रूर मैं एक बात कहूँगा जो हमेशा उठता है भोजपुरी के बारे में, कि एक बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं कटे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पिछले 2-3 साल पहले जा कर के और अभी के फिल्म जो बन रही फिल्में हैं उन पर आप नज़र दीजिए, तो कुछ ना कुछ अलग बन रहा है। हम भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे जैसे और भी लोग हैं भोजपुरी में बैठे हुए जो सिनेमा की दशा को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को मानते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा निचले स्तर पर देख के और इसे करते हैं जुड़े, हम निराश नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। ये फिल्म कितने दिनों बन के तैयार हुई? ये फिल्म हम यहाँ इस अगले महीने तक शूटिंग करेंगे और 1-1.5 महीने हमारा पोस्ट का काम चलेगा। यहाँ शूट करेंगे। ये कहाँ चलेगा? कितने, ये कहाँ चलेगा, जिले में, प्रदेश में, कहाँ? ये हम, हमारी फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ ओवरसीज भी जाता है, कुछ आउट ऑफ इंडिया के कंट्रीज भी है जहाँ हमारी फिल्में दिखाई जाती है। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये फिल्म जो है विमेन ओरिएंटेड है, हमारे विधायक जी आए हैं, इन्होंने बहन कहा है, ऑब्वियसली मेरे लिए बड़े भाई हैं, जब भाई का सपोर्ट है बहन के लिए तो बहन को कोई डर नहीं। वैसे ही आप सब भी देखिए, यहीं से एक सपोर्ट शुरू हो गया, यहीं से एक मैसेज शुरू हो गया कि जब भाई बहन को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप सब अपने परिवार, जो लड़कियाँ पीड़ित हैं उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते, उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते। तो आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस चीज़ में शर्माइए मत। ये कोई, ये आपकी लड़कियों ने गलत नहीं किया, जो गलत किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, तो उन्हें सज़ा दिलाने के लिए आप लड़िए, आगे तक लड़िए, क्योंकि आपकी बेटी जिस दर्द से गुजरी है वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है। आगे हमारे प्रोड्यूसर कुछ कहना चाहेंगे। ऐसा कि फिल्म